उदाहरण 12, इनके मान ज्ञात कीजिए। पहला, 8/125 की घात 4/3 गुणित 8/125 की घात 2/3। हमें 8/125 का घात 4/3 गुणित 8/125 का घात 2/3 का मान ज्ञात करना है। बराबर, सबसे पहले यहां देखेंगे 8/125 और 8/125 में आधार 1 है, तो हम 8/125 यहाँ पे घातों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने घातांक में गुणा के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो 4/3 ÷ 2/3 यहाँ पे हमने घातांक का नियम, गुणा का नियम, एका घात एम गुणित एका घात एन बराबर एका घात एम धन एन को का प्रयोग किया है। बराबर 8/125 का घात, यहाँ लघुत्तम हमारा 4/3 ÷ 2/3 का 3 होगा और 4 ÷ 2 = 6, तो घात हमारा 6/3 होगा। अब हम 6/3 को जब हम भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, तो ये बनेगा 8/125 का घात 2। अब जब हम 8/125 का घात 2 को कोष्टक को खोलेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8/125 गुणित 8/125 बराबर 8/125 × 125 बराबर 8 × 8 = 64 और 125 को जब हम 125 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15625। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, 27/64 की घात 7/3 भागित 27/64 की घात 5/3 हमें 27/64 का घात 7/3 भागित 27/64 का घात 5/3 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 27/64 आधार जो है दोनों घातांकों में 1 है, जिसे हम 27/64 का घात 7/3 ऋण 5/3 में लिखेंगे। यहाँ हमने घातांकों में भाग का नियम लगाया है, एका घात एम भागित एका घात एन बराबर एका घात एम ऋण एन होता है बराबर 27/64। इसके घात में आधार 3 को हम एक बार लिखेंगे लघुत्तम, और 7 ऋण 5 बराबर हमें 2 प्राप्त होगा, तो ये बना 27/64 का घात 2/3। अब हम 27 का गुणनखंड लिखेंगे तो ये होगा 3 × 3 × 3
तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, और 64 का गुणनखंड 4 के रूप में हम 4 गुणित 4 गुणित 4 लिख सकते हैं। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब इसका जो घात है हमारे पास कितना है, 2/3 बराबर। अब हम इसे 3 गुणित 3 गुणित 3 को हम 3 का घात 3 लिख सकते हैं, और 4 को 4 गुणित 4 गुणित 4 को 4 का घात 3 लिखेंगे, और इसका घात जो है हमारे पास 2/3 है। इसके आगे हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। बराबर हमें प्राप्त हुआ था 3 का घात 3 बटे 4 का घात 3 का घात 2/3 बराबर। हम इसे 3/4 दोनों अंश और हर में घात 3 है, इसे हम कोष्टक के बाहर लिख लेंगे, और फिर गुणित 2/3। चूँकि हम जानते हैं कि a का घात m बटा b का घात m बराबर a बटा b का घात m होता है। बराबर यहाँ पे हम 3 और 3 को अंश और हर से काट देंगे क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, तो हमें मिलेगा 3/4 का घात 2 बराबर। अब पुनः हम जो कि 3/4 का घात 2 है इसको अंश और हर में कोष्टक खुलेगा तो ये 3 का घात 2 हो जाएगा और 4 का घात 2। यहाँ पे हमने पुनः पहले वाला सूत्र लगाया है कि a बटा b का घात m बराबर a का घात m बटा b का घात m होता है। यहाँ पे हम 3 के घात 2 को 3 गुणित 3 बटा 4 का घात 2 को 4 गुणित 4 के रूप में लिख सकते हैं, और 3 गुणित 3 बराबर 9 बटा 4 गुणित 4 बटा 4 गुणित 4 बराबर 16। यह उदाहरण का हल होगा।